हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से पर्यावरण की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और ये लगभग बहुत जल्द ही लगभग 15 दिन के अंदर ये क्लास समाप्त भी कर दिया जाएगा। जो भी छात्र BA फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं दिए हैं और सेकेंड ईयर का देंगे, तो पर्यावरण जो है ये पेपर कंपलसरी होता है, चाहे BA फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, 3 साल में एक बार ये पेपर निकालना होता है। आप BSc में हो, BCom में हो, उनको भी ये पेपर देना होता है। ओके, ये टेट और सुपर टेट वालों के लिए, इनके भी एग्ज़ाम में 30 नंबर का पर्यावरण से पूछा जाता है। तो इन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण में ये क्वेश्चन लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप 80+ नंबर ला सकते हैं आसानी से। ओके, तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। हम डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और उसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा और अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। PDF डाउनलोड करने के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री PDF है। तो PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और इस बार BA सेकेंड ईयर हो, BA थर्ड ईयर वाले कोई भी छात्र हो, उनको पर्यावरण का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। तो इसलिए तैयारी आप लोग मंथन से कीजिए। हम वीडियो डेली प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके पहले भी हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है पर्यावरण के। बहुत सारे छात्र पढ़कर अच्छे मार्क ले आए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पर्यावरण के सारे वीडियो आप देखिए। और ये क्लास हम डिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा नंबर 1, मानव का वैज्ञानिक नाम है मैमल्स, क्रोडर्स, होमोसैम्पियन, होमोनाइड। देखिए, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोसैम्पियंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सभी को आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बता दिया करें, पूरा नाम लिख दिया करें। इससे क्या होगा कि वो हमेशा के लिए क्वेश्चन याद हो जाता है और पर्यावरण का एग्ज़ाम इस बार बिल्कुल क्लियर करना है। देखिए, सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, पेरियार जीव मंडल स्थित है कहाँ में? केरल, राजस्थान, असम, बिहार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? केरल, यानी आ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं ये दिया होगा पेरियार अभ्यारण्य। ओके, जहाँ जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है उसी को अभ्यारण्य या जीव मंडल बोला जाता है। तो ये कहाँ पे है? केरल में। बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, कान्हा, किसली, सिमलीपाल अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य, बहुत सारे हैं। तो ये अभ्यारण्य से ये क्वेश्चन आपके पर्यावरण में ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको जहाँ कहीं भी अभ्यारण्य दिखे वो सारे अभ्यारण्य आप याद कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? केरल। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कंचनजंगा जीव मंडल स्थित है, ये भी एक अभ्यारण्य ही है। केरल, सिक्किम, पूर्वी हिमालय, असम, उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, पूर्वी हिमालय। ब, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्नांकित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? बताना है रबी, खरीफ, जायद, फसलों में से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनता है पर्यावरण के। तो ये सभी फसल याद कर डालिएगा। देखिए, हम सारे क्वेश्चन जब कराएंगे, टोटल कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो इसमें ये सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रबी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी सारे हम करा देंगे। अभ्यारण से पूछे जाते हैं, ये भी सारे हम करा देंगे। ओके, दिवस से पूछे जाते हैं, ये भी हम सारे करा देंगे। सिर्फ आपको वीडियो देखना है, 2 से 3 बार लगातार वीडियो देखना है और हमेशा, मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं तब तक वीडियो को देखते रहना है। आपको नोट्स नहीं बनाना है, PDF मैं दे देता हूँ, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और वीडियो देख करके जाके एग्ज़ाम में 80+ नंबर लाना है आपको। ओके, गेहूं, चना, मक्का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का, यानी सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्वच्छ शहर है? शंघाई, पेरिस, मुंबई, काहिरा। देखिए इसका जो आंकड़ा होता है ये लगभग 5 साल पर लिया जाता है सबसे स्वच्छ शहर का। ओके, तो इस बार जो सबसे स्वच्छ शहर का आंकड़ा लिया गया है वो शंघाई का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 6, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है पर्यावरण के पेपर में, तो सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो छात्र नहीं बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जानूंगा कि उनको नहीं आ रहा है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताना। देखिए 5 जून, 15 मई, 26 जून और 2 अक्टूबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1952, 1962, 1972 और 1982। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1952, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर है 8, सुंदरवन किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले बता दूँ, सुंदरवन जो है ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, बहुत बड़ा वन है, यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा भी पाया जाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो याद रखना 4 ऑप्शन आपके सामने, बाघ, हाथी, गेंडा, शेर। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी आ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघ के लिए। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, यानी आ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 हमारा, राजा जी राष्ट्रीय पार्क स्थित है उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, पंजाब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं कहीं उत्तराखंड भी दिया होगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड या उत्तरांचल, एक ही है। तो करेक्ट आंसर आपका सा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। राजा जी राष्ट्रीय पार्क, कहीं कहीं दिया होगा राजा जी नेशनल पार्क, इंग्लिश में दिया होगा, तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। ओके, सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कोलकाता, कटक, चेन्नई, नागपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कटक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? कटक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे हैं, गेहूँ का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जौ अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इसी तरह इससे एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनता है पर्यावरण के, चाहे वो टेट हो या सुपर टेट हो या बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी छात्र हैं पर्यावरण का एग्जाम देने जाएंगे तो ज़रूर आपका इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये सारे क्वेश्चन हम कराएंगे बारी बारी से, आप सिर्फ लगातार वीडियो देखते रहिए। तो बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करते हैं तो कह रहा है कि उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? चीन, जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जीएस के क्वेश्चन बन जाते हैं पर्यावरण में, तो ये सभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ओके, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लगातार वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 हमारा, विश्व में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाले मरुस्थल का नाम है? कालाहारी, थार, सहारा, अटाकामा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है सहारा। सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा। मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, विस्तृत यानी विस्तृत मतलब होता है बड़ा मरुस्थल। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,598, 8,848, 8,481, 8,172 मीटर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8,848 मीटर। कहीं कहीं किलोमीटर भी दिया होगा तो किलोमीटर गलत रहेगा, मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एग्जाम में बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर आप बैठिए, आप 90+ नंबर ला सकते हैं पर्यावरण में, अगर आपने हमारे सारे वीडियो देख लिया, हमारे चैनल के सारे वीडियो देख लिया। चलिए हम अगला
प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, बंगाल का शोक कहलाती है ब्रह्मपुत्र, दमोदर, सोन, हुगली, ये सभी नदियों के नाम हैं, तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दमोदर नदी। अच्छा दोस्तों, ये बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, बंगाल का शोक, उड़ीसा का शोक, बिहार का शोक, ये क्यों कहा जाता है? देखिए, ये शोक इसलिए कहा जाता है, बंगाल का शोक दमोदर नदी इसलिए है क्योंकि जब बंगाल में दमोदर नदी में बाढ़ आता है तो बंगाल का अधिकांश क्षेत्र डूब जाता है पानी से, वहाँ तबाही मच जाती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, इसीलिए इसका नाम बंगाल का शोक रख दिया गया है क्योंकि इसी नदी के कारण वहाँ बाढ़ आता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, हरित क्रांति का संबंध है वन लगाने से, खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। क्रांति से एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडा क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, तो क्रांति से एक क्वेश्चन आपके पर्यावरण में जरूर आता है। ये सारे क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियो में जो कराए थे, लगभग 24 पार्ट वीडियो हमने बनाया था पर्यावरण के, अतुल सर पढ़ाए थे, तो उसमें सारे क्वेश्चन करा दिए थे, ये लगभग रिवीजन हो रहे हैं और इसमें भी लगभग 20-25 पार्ट वीडियो बनाएंगे। आपके एग्जाम से पहले हम कोर्स समाप्त कर देंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से, वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति सरसों उत्पादन से, तेल, तिलहन, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं सारी क्रांति। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, वायुमंडल की निचली परत या भाग को कहते हैं ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयतन या वाह मंडल, आयन मंडल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। इस प्रकार से परतें बढ़ती जाती है, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, वाह मंडल, आयन मंडल। ओके, तो वाह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 हमारा, टिहरी बांध में जल एकत्रित होता है, टिहरी बांध में जल एकत्रित होता है किस नदी का बताना है, घाघरा नदी का, यमुना नदी का, भागीरथी का, कोसी नदी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी का। टिहरी बांध जो है भागीरथी का जल एकत्र करता है, यानी सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 हमारा, मृदा अपरदन की मात्रा आधारित है ढाल के स्वरूप में, मिट्टी की संरचना पर, वर्षा पर, उपरोक्त सभी। देखिए जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मृदा अपरदन मतलब क्या होता है? मृदा का क्षय होना। ओके, तो ढाल के स्वरूप में रहेगा तब भी मृदा बह कर जाएगी पानी से, मिट्टी की संरचना पर भी मृदा का गड़बड़ेशन हो जाता है, वर्षा पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कान्ह अभयारण्य में मुख्य संरक्षित जीव है। ओके, हाथी, सिंह, चीता, नील गाय। नील गाय आप देखते होंगे गांव में, इसको गांव में तो नील गाय बोला जाता है लेकिन इसका नाम है नील गाय। ओके, क्योंकि नीला अधिकांश रहता है। तो कान्ह अभयारण्य में किसे संरक्षित रखा गया है? चीता को, यानी सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उत्तराखंड विभाग, काजीरंगा, कार्बेट पार्क, सिमली पार्क। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट पार्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इस प्रकार 20-20 क्वेश्चन करके हम कराएंगे क्योंकि आपको वीडियो भी देखने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।